जम्मू कश्मीर के लिए परीक्षा की घड़ी है क्योंकि दुश्मन वहां दहशत फैलाना चाहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन 1 करोड़ बच्चों की जिनके लिए कोरोना काल में परीक्षा सचमुच टेंशन की वजह बन गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि CBSE की 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब तक किन राज्यों ने अपने अपने बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जरा ध्यान से देखें आप। उत्तर प्रदेश ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। गुजरात ने तो पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। मध्य प्रदेश ने भी परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी थी और हरियाणा ने भी इसका फैसला पहले ही ले लिया था। अब राजस्थान ने भी परीक्षा रद्द कर दी है। इसके अलावा गोवा ने भी परीक्षा कैंसिल होने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। हिमाचल प्रदेश ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। पंजाब ने भी इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने भी 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं किया। परीक्षा जहां रद्द हो चुकी है वहां भी बच्चे इस वजह से टेंशन में हैं कि आखिर उनका रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। लेकिन अब हम आपको सारी टेंशन खत्म करने वाली बातचीत सुनाने जा रहे हैं। आप भी देखिए क्या हुआ जब शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित बच्चों और अभिभावकों के ऑनलाइन कार्यक्रम में खास मेहमान की एंट्री हो गई। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने ज्वाइन। नमस्ते सर। नमस्कार सर। मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया ना? आप बड़ी मजे की बातें कर रहे थे, ऑनलाइन कैलोरी बर्न कर रहे थे आप लोग। सर नमस्कार सर, और आप आ गए सर, आपने हमको ज्वाइन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने अभी इनको बताया कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं सर, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सर। और सर ये लोग आपके आने से पहले ये भी बात कर आपकी बहुत बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे फैन हैं सर यहाँ पे। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बर्न करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? सर अच्छे हैं, आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत। आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और टेंशन गई, ऐसा है क्या? टेंशन गया मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।